धुरकी से संवाददाता तौफीक आलम की रिपोर्ट। प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा खुशी परवीन धुरकी प्रखंड में लाई प्रथम स्थान, प्रधानाचार्य दिनेश ठाकुर ने किया सम्मानित। धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय में इंटर आर्ट्स विषय की छात्रा खुशी प्रवीण ने कला संकाय के रिजल्ट में प्रखंड व अपने विद्यालय में फर्स्ट डिवीजन से कुल 78% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान लाने के बाद शुक्रवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश ठाकुर ने खुशी प्रवीण को पुरस्कृत सम्मानित किया है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्रा खुशी प्रवीण को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर प्रशंसा जारी करते हुए इंटर कला संकाय में प्रखंड में और अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद प्रधानाचार्य ने खुशी प्रवीण की जमकर प्रशंसा किया है। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि खुशी विद्यालय में आती थी तब से वह पढ़ने लिखने में काफी तेज तरार छात्रा थी। वहीं उसके अपने पढ़ाई के प्रति काफी मेहनती छात्रा थी। उसने परीक्षा से पूर्व भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर अपने विद्यालय और धुरकी प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर टॉप छात्रा बनी है खुशी प्रवीण। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद खुशी ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश ठाकुर को दिया है। खुशी ने बताया कि प्रधानाचार्य के अलावा उसके दादा हफीज खान पिता इकबाल के अलावा घर के सभी सदस्य उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र मोहर दिया है। खुशी ने कहा कि वह आगे भी इसी तरह पढ़ाई लिखाई कर अपने माता पिता और शिक्षक के अलावा स्कूल और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। वहीं इधर खुशी को अपने प्रखंड में प्रथम व विद्यालय में टॉप आने के बाद खुशी को और उसके अभिभावकों को सभी ने शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी कर रहे हैं। आप देख रहे थे डेली न्यूज झारखंड। धन्यवाद। विद्यालय धुरकी में कला का रिजल्ट आया है और ऐसे में सर आपके विद्यालय की कौन सी छात्रा सबसे टॉप रही है? कल हमारे प्लस टू उच्च विद्यालय धुरकी का कला संकाय रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें खुशी प्रवीण जी, पिता इकबाल अहमद जी, माता सुल्ताना प्रवीण जी, जो धुरकी के निवासी हैं, वे प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं जी। मैं इसके भविष्य की उज्ज्वल कामना हेतु सदैव भगवान से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा कि आगे बढ़ करके विद्यालय के नाम और अपने परिवार का और प्रखंड या जिला का भी नाम रोशन करें। सर इससे पूर्व में जो मतलब साइंस का भी जो रिजल्ट आया, चाहे मैट्रिक में, मैट्रिक का क्या स्थिति रहा सर आपकी? मैट्रिक में हमारे विद्यालय का रिजल्ट 99% रहा जी, जिसमें स्वीटी रानी, पिता सुकुमार सिंह जी, माता और मीला देवी जी, प्रखंड टॉपर किया, 92% अंक प्राप्त किए जी। और विज्ञान संकाय में निशिकांत दुबे जी, पिता नित्येंद्र दुबे, माता नीता देवी जी, जो 80% अंक प्राप्त करके प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी। सर 10 प्लस टू उच्च विद्यालय में जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, उनको आप किस तरह से मतलब पढ़ाते हैं सर? आज ही इस तरह का आपका विद्यालय का रिजल्ट आया। गढ़वा जिला के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है जी। यहाँ पठन पाठन की कोई अलग व्यवस्था नहीं है जी। माइक में हाँ चल ठीक ठीक। खुशी, इंटर आर्ट्स में तुम विद्यालय में अपनी टॉप आई हो, अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हो? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री दिनेश पाठक सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि वे हमेशा हम सभी विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करते थे पढ़ने के प्रति, हमेशा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान देके पढ़ो, और हमेशा वो हम पे अच्छे से ध्यान देते थे पढ़ाई लिखाई में। और इनके अलावा घर में कौन कौन लोग थे? मेरे घर में मेरे सभी परिवारों के द्वारा मुझे को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था पढ़ाई के प्रति, मुझे खुली आज़ादी मिलती थी पढ़ने की। और सबसे ज़्यादा घर में कौन सदस्य मतलब पढ़ाई के लिए करते थे? मेरे दादाजी। क्या नाम है दादा का? हफीज खान। और मेरे पिताजी इकबाल खान। मतलब पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी थी? मुझे पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी देते थे, मुझे मुझ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। आज तुमने विद्यालय का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है तुमको? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने अपने विद्यालय का नाम और अपने प्रधान अध्यापक और स्कूल का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वेरी गुड।